सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। जय माता दी। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं भगवान शिव के जन्म का रहस्य। उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। महादेव यानी देवों के देव महादेव इस सृष्टि पर सबसे शक्तिशाली और बलशाली माने जाते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार शिव विनाशक हैं, ब्रह्म रचयिता हैं और विष्णु संरक्षक हैं, लेकिन फिर भी हिंदू धर्म में भगवान शिव को सबसे बड़ा स्थान प्राप्त है। वैसे आपको पता है भोलेनाथ का अस्तित्व इस धरती पर विष्णु और ब्रह्मा के वजह से है। चलिए आपको बताते हैं भगवान शिव के जन्म की कथा। ऐसा कहा जाता है कि महादेव की कोई माँ नहीं थी, अर्थात उनका जन्म माँ के पेट से नहीं हुआ, बल्कि वे इस धरती पर अवतरित हुए थे। एक बार दोनों विष्णु और ब्रह्मा में इस बात पर बहस छिड़ गई कि कौन उन दोनों में से ज़्यादा श्रेष्ठ है। इस बहस के बीच अचानक से एक रहस्यमय स्तंभ प्रकट हुआ और वो इतना लंबा था कि ना उसका ऊपर से छोर दिख रहा था ना नीचे से। ये देख दोनों विष्णु और ब्रह्मा अचरज में पड़ गए। उन्हें लगा कि क्या इस धरती पर कोई तीसरी महाशक्ति भी है जो उनसे ज़्यादा ताकतवर है। तब दोनों ने निर्णय किया कि वो इस रहस्य स्तंभ का राज समझ कर रहेंगे। तब ब्रह्मा जी ने अपने आप को एक बतख में परिवर्तित कर लिया, वहीं विष्णु ने सुअर का रूप धारण कर लिया। अब ब्रह्मा गए आसमान की तरफ और विष्णु गए पाताल की तरफ। दोनों का लक्ष्य एक ही था कि किसी तरह इस स्तंभ का रहस्य समझ आए। अब काफ़ी वर्ष बीत गए, लेकिन दोनों में से कोई भी उस स्तंभ के आखिरी छोर तक नहीं पहुंच पाया। जब दोनों असफल होकर वापस अपनी जगह पर आए, उन्होंने देखा कि उस स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हो रहे थे। वैसे बता दें, वो स्तंभ भी भोलेनाथ का एक रूप था। भगवान शिव के इस विकराल रूप को देखकर दोनों विष्णु और ब्रह्मा समझ गए कि शिव की शक्ति उन दोनों से अधिक है और वे इस सृष्टि के सबसे शक्तिशाली प्राणी हैं। कहा जाता है यही वो पल था जब महादेव पहली बार धरती पर अवतरित हुए थे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। जय माता दी।